ठंड में आलू पालक खाने का मजा ही कुछ और है। अगर आलू पालक में अच्छे से लहसुन डाली हो, लहसुन का स्वाद बहुत बढ़िया हो, बढ़िया नया आलू हो और देसी पालक हो, तो उसकी बात ही कुछ और है दोस्तों। इस बार ठंड में ऐसे आलू पालक बना के देखना दोस्तों, सच में आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आलू पालक बनाने के लिए सबसे पहले पूरी सामग्री तैयार कर लेते हैं। तो हमने दो प्याज लिया है, दो सूखी लाल मिर्च लिए हैं, 10-12 करी लहसुन लिए हैं, 1 इंच अदरक लिए हैं, 2 देसी टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्च लिए हैं। पहले हम सभी सामग्री को बारीक काट लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो पालक लिया है, ठंड वाला 4 छोटा नया आलू लिया। आलू में थोड़ा मिट्टी होता है इसलिए आलू को हम अच्छे से छील लिए हैं। आलू को बड़े बड़े चौकोन कट करके पानी में रख लिए हैं, नहीं तो आलू का रंग काला पड़ जाएगा। यही बात पालक की, पालक को सही तरह से धोना बहुत जरूरी है, कम से कम 2-3 पानी अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। पालक में मिट्टी बहुत होती है इसलिए मैं पालक को धोने के बाद काटता हूँ ताकि उसका न्यूट्रिशन अच्छे तरह से बना रहे। पालक को मैंने बारीक काट लिया है दोस्तों, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। सारी तैयारी हो गई है, अब फटाफट पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले ये भी इसका तेल डाली है, अच्छे से गर्म कर लिए हैं जब तक इससे धुआं आना शुरू नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जीरा डाला है, फिर डाला है गरम गरम तेल में थोड़ा सा प्याज, उसके बाद यहाँ पे मिर्ची डाली है। प्याज को थोड़ा भूंजना है और थोड़े से भूंजने के बाद ही यहाँ पे लहसुन, सबसे पहले लहसुन मत डाल देना क्योंकि आप बारीक कट करे हो तो जल जाएगा, फ्लेवर नहीं आएगा लहसुन का। लहसुन के साथ साथ आलुओं को भी डाल लेना। अब आलुओं को रोस्ट करना शुरू करते हैं। आलुओं को भूंजने के बाद अदरक भी डाल देना। अब समझ आ गई होगी टेक्नोलॉजी ऐसी क्यों है। बेसिकली इसलिए है ताकि चीजें जले ना लेकिन उसमें से फ्लेवर जरूर निकल कर आए। अब आपको क्या करना है, आलू को अच्छे से भूंजने हैं। आलू को अच्छे से भूंजने के बाद यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है, उसके बाद इस स्टेज में हरी मिर्ची को बस थोड़ा और रोस्ट कर लेना और फिर डाल देना टमाटर। टमाटर के आने के बाद ब्राउन होना बंद हो जाएंगे, ध्यान देना इस बात को। और आपको पता ही है कि टमाटर के डालने के बाद डालना है नमक। मैंने यहाँ पर टमाटर के साथ साथ धनिया पाउडर भी डाल दिया है। धनिया पाउडर डाल के अच्छे से भूंज लेना। अब गलाना भी शुरू करते हैं, तो आप यहाँ पे ढक्कन लगा लेना ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। 2-3 मिनट बाद ढक्कन खोल के दिखाता हूँ कि आलू अच्छे से पक चुकी है। आप यहाँ पे पालक के पत्ते डालना, साथ में गरम मसाला डालना, साथ में कस्तूरी मेथी डालना, लेकिन आप उसको हिलाना मत, 2-3 मिनट पकने देना। फिर आपको ढक्कन खोल के तब तक पकाना है जब तक पानी अच्छे से गायब नहीं हो जाता और तेल अलग नहीं हो जाता। इस हिसाब से रेसिपी पूरा तैयार है, तेल अलग हो चुका है और पानी भी गायब हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इन्हें हमने बिना पानी के बनाया है, आप चाहो तो पानी डाल के भी बना सकते हो। ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी।